दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल लाइफ इन विलेज शुभकामनाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के एक महत्वपूर्ण उत्सव गौरा गौरी का दर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में गौरा गौरी कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है, यह जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहिए। मेरे चैनल के नए व्यूअर्स, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे पुराने यूट्यूब परिवार के सदस्यों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या को गोवर्धन पूजा के दिन यह पर्व बहुत ही आनंद हर्ष उल्लास के साथ सभी ग्रामीण मिलकर मनाते हैं। गांव की खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि एवं फसल की अच्छी पैदावार तथा गांव की सुरक्षा के लिए गौरा गौरी पूजा उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है। प्यारे मित्रों, इस पर्व में भगवान शिव को गौरा के रूप में तथा माता पार्वती को गौरी के रूप में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सदियों से गौरा गौरी पर्व मनाए जाने की परंपरा है। मुख्य रूप से इस पर्व को गौड़ जनजाति के लोग मनाते हैं, लेकिन आजकल सभी जाति धर्म वर्ग के लोग इस पर्व में आनंद और उल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं। बैगा यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो। हाँ वो बोल जाए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव गौरा गौरी पूजन पर्व है। गाँव के अन्य देवी देवता जैसे ठाकुर देव, बुढ़ा देव, भैरव बाबा, माता सती, डोकरा देव, कंकाली माई, आंगा देव, नंदी, बजरंगबली, गणेश, ब्रह्मा सभी को आमंत्रित किया जाता है। तुम खा सकते हो भाचा, भाचा तुम नहीं ला जाओ। पैसे नहीं कहा, पैसे नहीं कहा।
दोस्तों, यह लोक उत्सव हर साल परंपरागत रूप से गांव में मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस दिन गांव के लोग किसी शुद्ध और पवित्र स्थान पर, जैसे कि तालाब, किसी भगवान का मंदिर या ग्राम में देव ठाकुर दिया का स्थान, ऐसी पवित्र शास्त्री जगह पर इकट्ठा होते हैं। सर्वप्रथम इस दिन गांव के लोग किसी पवित्र स्थान पर इकट्ठा होते हैं और धरती माता की पारंपरिक पूजा करते हैं। इसके बाद उसी स्थान से मिट्टी लेकर गांव वापस आते हैं। इस मिट्टी से गौरा गौरी पंचम देवी देवताओं की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे मंदिर नुमा पटेले बनाए जाते हैं, जिसको बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इसको महिलाएं अपने सिर में रखकर देवी देवताओं के सवारी को पूरे गांव के गली मोहल्लों में रैली निकाल कर भ्रमण कराती हैं। इसके बाद भगवान शिव यानी गौरा एवं माता पार्वती यानी गौरी का विवाह संपन्न कराया जाता है। पूरी रात जस गीत गाते हुए मांढर की थाप में पूरे ग्रामवासी नाचते गाते रहते हैं और कई प्रकार के अन्य मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। आगे। आगे।
सुबह मूर्तियों के विसर्जन की तैयारी की जाती है और सभी देवी देवताओं की सवारी निकालते हुए गांव के सभी गली मोहल्लों में रैली निकालकर ग्रामवासी गाना गाते नाचते हुए तालाब की ओर रवाना हो जाते हैं। इस मौके पर परंपरागत लोकगीत गाते हुए ग्रामीण महिलाएं गौरा गौरी की मूर्ति का विसर्जन करने निकलते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा बीच बीच में सवारी रोककर पूजा अर्चना की जाती है और मूर्तियों का दर्शन कर अपनी मन इच्छा आशीर्वाद भी मांगते हैं। तालाब में पहुंचकर सभी प्रतिमाओं को एक कतार में रखा जाता है और गांव के बैगा के द्वारा पुनः पूजा अर्चना कर गांव की सुख शांति समृद्धि फसल की अच्छी पैदावार एवं गांव की रक्षा की कामना करता है। पांच कुआरी कन्याओं को माता के रूप में पूजा अर्चना करने के पश्चात बारी बारी से सभी प्रतिमाओं का सम्मान पूर्वक विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के गांव में परंपरागत रूप से माता गौरी एवं भगवान शिव के विवाह उत्सव का आयोजन एक साथ सभी मिलकर करते हैं। इससे ग्राम्य जीवन में एकता एवं भाईचारा की संस्कृति का विस्तार लगातार होते रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनोरंजन के साधनों का अभाव देखा जाता है, इस कारण ग्रामीण जन इसी तरह के कई प्रकार के लोक त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में गांव के बैगा का अहम रोल होता है। सभी देवी देवता गौरा गौरी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए किसी न किसी महिला या पुरुष की ऊपर सवार होकर आते हैं और नाचते रहते हैं। उन सभी का कुछ न कुछ अपना अलग अलग डिमांड रहता है, जिसको बैगा के द्वारा पूरा किया जाता है और उनको बैगा ही कंट्रोल करता है। गांव में देवी देवताओं की सेवा एवं पूजा अर्चना के लिए एक व्यक्ति निर्धारित रहता है, जिसे बैगा कहा जाता है। आप इसे गांव का पुजारी भी कह सकते हैं। Yeah.
प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।